आप लोग जुड़ चुके हैं जेके मीडिया के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा इस टाइम हम अर्निया बॉर्डर पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से कल रात से लगातार जो है फायरिंग चल रही है। 9:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत शुरू की थी और मोर्टार शेल यहां पर दागने शुरू कर दिए। ये रिहायशी इलाका है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान की नापाक हरकत की आके अब जो है रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा इधर ही यहां पर 3 लोग जो है सिविलियंस इंजर्ड हो गए, एक हेड कांस्टेबल जो है शहीद हो चुके हैं बीएसएफ के और एक जवान जो है इंजर्ड है। तो पाकिस्तान कल रात से फायरिंग कर रहा है और अभी कुछ देर पहले भी अर्निया में 1-2 मोर्टार फेंके गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हालांकि अभी जो है फायरिंग बंद है। आम लोग किस तरह से इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर फायरिंग के बीच में पिसते हैं वो हम आपको बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में कि आम लोगों की क्या हालत होती है यहाँ पर। थोड़ा ना के प्रधानमंत्री नेता एक मिनट आंदे जिसलै गोले पौंदे सारे इत्थे कट्ठे होई जांदे, लीडर सारे आई जांदे, मीडिया आले भी आई जांदे, बार-बार पुछन सारे आई जांदे। उहदे बाद च कोई नहीं पुछदा बॉर्डर एरिया आले पता मरा दे जां जीआ दे किस हालत रोए। जिहड़े लीडर ने उह भी इत्थे आणी रात करिए दसन, नेता भी इत्थे रोण आणी आ, उहनूं पता लगे इत्थे जिंदगी मोह च कियां रोण हुंदा। बॉर्डर एरिया लोकां बारे च क्या सोचिआ इहने? अज तक उहनूं 5-5 मरले प्लाट नहीं दित्ते गए। साडे निक्के निक्के बच्चे ने साडी जिंदगी बर्बाद हुई, साडी जिंदगी रिहा पिछे कुछ नहीं, तां इत्थे रहीए की करके दसवां? साडे बच्चे ने लोकां क्या सोचिआ? नेता लीडर ने साढ़े बच्चे केह सोचिया? 2 दिन आंदे जिसलै वोट आने इलैक्शन आनी सारे आई जाना, अस एह करगे, अस एह दिगे, फिर दिगे, ओह्दे बाद कुछ नहीं पुछना। तुहानूं लगदा हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दी लड़ाई दे विच आम इंसान जिहड़ा पिस रहा है? इंसान गै पिस रहा है, लीडर ते अपनी जगह सो रहे हैं, अपनी मर्जी नाल सो रहे हैं। इंसान मरा दी ते जनता मरा दी है, जिधर मरा दी इधर भी मरा, उधर ही मरा, जनता ही मरा दी है। बुरा तो जनता का होवा है, निक्के निक्के बच्चे बाहर निकलना पता नहीं वापस आना या नहीं आना, केह बनना केह नहीं, हड़कन बनना। जिसलै गोले पौंदे ने एकदम सारा मकान ही ली जांदा, पता नहीं केह बनी है, घड़ी च केह तबाही है। भैया क्या कहना चाहोगे आप जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, आम लोग पिसते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहे रिश्ते जैसे मर्जी हो लेकिन बॉर्डर पे रहने वाले लोग पिसते हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा एक ही दिन आते हैं लीडर भी, सब लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, आप लोगों की कोई जो है उसके बाद पूछने भी नहीं आता है? नहीं आता, कोई नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ऐसे भी कोई नहीं आता। जब फायरिंग शुरू होती है फिर ऐसे ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं कभी कभी, वो भी कभी कभी दूर दूर से ही, पास कोई नहीं आता है, कोई हमारी मुसीबतों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ समझता ही नहीं हमारी बात, क्या कहें हम, क्या करना चाहिए हमें, हमारा सरवाइव करना ही मुश्किल हो गया यहाँ पे, कैसे सरवाइव करना है? पूरी 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 रात फायरिंग हो रही थी, पूरी रात फायरिंग, सरवाइव कैसे करें हम, कैसे जिए? हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो स्कूल बंद, बच्चों की पढ़ाई भी सफर कर रही है, कैसे कैसे चलेगा आगे? कुछ ये बच्चे भी हैं यहाँ पे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 6। ये बताओ कि आज स्कूल क्यों नहीं गए और कितनी फायरिंग हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत फायरिंग हो रही है और हमें स्कूल में छुट्टी दी गई है। जी तो कितना डर कितना लगता है जब जोर जोर से धमाके होते हैं फायरिंग के? बहुत डर लगता है। जी तो कितना पढ़ाई कितनी नुकसान हो रही है, अगर इस तरह से छुट्टी करनी पड़ेगी तो आपकी पढ़ाई कितनी नुकसान होगी? बहुत। कुछ और बच्चे भी हैं उनसे भी बात करेंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया ये बताओ कि कितनी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है क्योंकि आप बॉर्डर पे रहते हैं, डेली ही फायरिंग होती है, कितना नुकसान होता है और आपकी पढ़ाई कितनी वेस्ट होती है? बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पूरे साथ की पानी मिल जाती है, चाहिए नहीं होते हैं पढ़ने के, और यहाँ पे फायरिंग होती है, यहाँ पे कई दिनों में से इंसान मदद कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे फायरिंग बहुत होती है और परेशानी होती है हमें यहाँ पढ़ने में। तकरीबन 9 बजे से यह शुरू होती है, कभी कभी 11 बजे शुरू होती है, टाइम होता पढ़ने का, तो बस पाकिस्तान यही बस फायरिंग चलती रहती है और कुछ नहीं। तो फिलहाल हम लोग आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इनके घर की क्या हालत हो चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार गिरता है, यहाँ पर स्प्लिंटर्स इंजरीज कितनी है, स्प्लिंटर्स की तरफ से जो डैमेज आया है वो कितना है, 3 सिविलियंस लोग इंजर्ड हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कल ही बच्चों के स्कूल खुले हैं और
आज शायद इनका पहला दिन था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से दिन के टाइम भी फायरिंग हो रही है, बच्चों का स्कूल जो है अर्निया सेक्टर के 5 किलोमीटर के एरिया में बंद कर दिया गया है ताकि स्कूल में अगर कोई इस तरह का हादसा ना हो जाए और खास करके बच्चों की जो है जान बचाई जा सके। तो ये हालत है अर्निया सेक्टर की, पाकिस्तान की तरफ से उनकी नापाक हरकत, लगातार फायरिंग, और पाकिस्तान जिस तरह से अपनी जो है इस तरह की जो चीज़ों से बाज नहीं आएगा, हालांकि हिंदुस्तान उनको लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जिसका कुछ दिन पहले ही पता चला था किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के 9 लोग जो हैं हिंदुस्तान की आर्मी ने मार गिराए थे मेंढर पुंछ में। तो फिलहाल कुछ लोग हमारे इस वीडियो पे कमेंट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान को नाइस भी कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जो घाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन गुनगान पाकिस्तान के करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आशीष कोहली, कैमरामैन बंटी डिगरा के साथ जेके मीडिया के लिए।